हेलो बच्चों, वंस अगेन वी आर हेयर विद आवर पोयम टीम वर्क. चिल्ड्रन, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डन रेसिटेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोयम एंड नाउ लेट अस सी द एक्सरसाइजेस. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को कंप्लीट करिए. फर्स्ट, इफ नोबडी पासेस द बॉल इन अ बास्केटबॉल गेम देन यू कांट. बास्केटबॉल गेम में अगर कोई बॉल को आगे पास ना करे then you can't shoot the ball. In a relay race, if no one passes the baton, then relay race में अगर कोई baton को pass ना करे, baton को आगे किसी दूसरे खिलाड़ी को ना दे, then the race can't go on. Next exercise, think and write. Name the team members needed for the following. Let us see the example. To play cricket, we need. Cricket खेलने के लिए हमें किन किन members की जरूरत होती है? बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स, कोचेज. नेक्स्ट, टू मेक अ फिल्म वी नीड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, कोरियोग्राफर, कैमरामैन. नेक्स्ट, टू रन अ गुड स्कूल वी नीड प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड हेल्पर्स. टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड कुक्स, हेल्पर्स, मैनेजर्स, waiters and cleaners. Complete the sets of rhyming words one has been done for you. नीचे दिए गए words के आपको rhyming words लिखने हैं. Team, beam, plus, bus, done, one, hoop, loop, shoot, root, goal, shoal, joy, boy. For want of a nail. For want of a nail, the shoe was lost. For want of a shoe, the horse was lost. For want of a horse, the rider was lost. For want of a rider, the battle was lost. For want of a battle, the kingdom was lost. And all for the want of a horseshoe nail. बच्चों, इस पोयम में एक हॉर्स है जिसके पैरों में इस तरह की नाल लगाई जाती है जो उसके शूज का काम करती है. तो उसके शूज में जो लगी हुई कील है वो खो जाती है. अब वो कील खोने की वजह से उसका शूज खो जाता है जिससे घोड़ा ढंग से दौड़ नहीं पाता, और हॉर्स की वजह से राइडर यानी घुड़सवार ठीक से बैटल नहीं लड़ पाता यानी युद्ध नहीं लड़ पाता, और जब वो ढंग से युद्ध नहीं लड़ पाता तो वो अपना किंगडम यानी राज्य हार जाता है. तो ये सब सिर्फ एक हॉर्स शू नेल की वजह से होता है. तो थी ना मजेदार पोयम. नाउ फॉर्म क्वेश्चंस फॉर द आंसर्स गिवन इन द स्पीच बबल्स. नीचे दिए गए बबल्स में आंसर्स लिखे हैं एंड यू हैव टू फॉर्म द क्वेश्चंस. फर्स्ट इज द शू वाज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल. सो क्वेश्चन विल बी व्हाई वाज द शू लॉस्ट. नेक्स्ट इज द किंगडम वाज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट. Question is, why was the kingdom lost? And the last is, the battle was lost because there was no rider. Question is, why was the battle lost? Now make three more questions and answers from the poem, Teamwork. अब आपको तीन questions और बनाने हैं. First is, how can we make our dream work? Answer is, by working together as a team, we can make our ड्रीम वर्क. नेक्स्ट, हाउ डू वी प्ले बास्केटबॉल. आंसर इज अ प्लेयर टेक्स द पास्ड बॉल टू शूट इट थ्रू द हुप. एंड द लास्ट इज इन अ टीम वेयर शुड आवर आईज बी फिक्स टूवर्ड्स. यानी हमारी आंखें किसकी तरफ फिक्स होनी चाहिए. सो आंसर इज आवर आईज शुड बी फिक्स टूवर्ड्स अ कॉमन गोल. नेक्स्ट एक्सरसाइज, पिक्चर कंपोजिशन. Look at the picture and answer the questions in one sentence using the word clues given in the book. So, बच्चों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और देखो यहाँ पर एक घर बन रहा है, और इस घर को बनाने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं. मिस्त्री जो है दीवारें बना रहा है, और जो पुताई करने वाला है वो वाइट वॉश कर रहा है, और कारपेंटर यानी बढ़ई दरवाजे बना रहा है, और जो इलेक्ट्रीशियंस हैं वो बिजली फिट कर रहे हैं. तो देखा आपने, एक घर को बनाने के लिए पूरी एक टीम की जरूरत होती है. तो ये एक्सरसाइज आपकी कुछ ऐसी ही है. प्लम्बर जो हमारे यहाँ नल फिट करते हैं, पेंटर जो हमारे घर को पुताई करते हैं, मेसन जो मिस्त्री होते हैं, इलेक्ट्रीशियन जो बिजली की फिटिंग करते हैं,
लेबरर जो मजदूरी करते हैं, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं, गार्डनर जो माली होते हैं. नाउ लुक एट द क्वेश्चंस. हु इज लाइंग द ब्रिक्स? ब्रिक्स कौन लगा रहा है? अ मेसन इज लाइंग द ब्रिक्स. नेक्स्ट, हु इज होल्डिंग द लैडर? अ लेबर इज होल्डिंग द लैडर. हु इज द मैन ऑन द लैडर? एन इलेक्ट्रीशियन इज ऑन द लैडर. हु इज मेकिंग द डोर? अ कारपेंटर इज मेकिंग द डोर. हु इज पेंटिंग द वॉल्स? अ पेंटर इज पेंटिंग द वॉल्स. नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन ग्रुप ऑफ फाइव डिस्कस वॉट यू एन्जॉय डूइंग अलोन, वॉट यू लाइक डूइंग इन अ ग्रुप. यहाँ पर आपको कुछ काम डिस्कस करने हैं, जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अकेले करते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप ग्रुप में करते हैं. सो नाउ यू हैव टू राइट देम. थिंग्स आई लाइक डूइंग अलोन, वो काम जो आप अकेले करते हो. फॉर एग्जाम्पल, डूइंग होमवर्क, रीडिंग अ स्टोरी बुक, डूइंग मेडिटेशन. अगर आपको योगा करना होता है वो भी आप अकेले ही करते हो. नेक्स्ट, थिंग्स आई लाइक डूइंग इन अ ग्रुप, वो चीज़ें जो हम ग्रुप में करना पसंद करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग आउटडोर इनडोर गेम्स, गोइंग ऑन अ ट्रिप, यानी घूमने जाते हैं तब भी हम ग्रुप्स में ही जाते हैं. कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता है तो वो भी हम ग्रुप में ही करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन योर फैमिली व्हाट एक्टिविटीज़ आर डन इंडिविजुअली एंड एज अ ग्रुप. आपकी फैमिली में कौन कौन सी एक्टिविटीज़, यानी कौन कौन से काम कोई एक डिसाइड करता है और कौन कौन से काम आप सब मिलके डिसाइड करते हैं. माई मदर डिसाइड्स व्हाट एंड व्हेन टू कुक, मम्मी डिसाइड करती है कि क्या बनना है और कब बनना है खाने में. माई फादर डिसाइड, पापा डिसाइड करते हैं वेयर टू गो, कहाँ जाना है पिकनिक के लिए और आउटिंग घूमने के लिए. आई डिसाइड व्हेन टू स्टडी एंड प्ले, और मैं डिसाइड करता हूँ कब मेरे को पढ़ना है और कब मेरे को खेलना है. वी डिसाइड, यानी हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं वेयर वी शैल गो फॉर अ लॉन्ग ट्रिप, जब हमें घूमने जाना होता है तो हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन द पजल फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द कॉलम. नोटिस दैट दीज वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, वन इज डन फॉर यू, फाइंड सम मोर सच वर्ड्स. नीचे जो पजल दी गई है उसमें से आपको जॉइनिंग वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, यानी ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो दो वर्ड से मिलकर बने हैं. साइड में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं वो तो आपने ढूंढने ही ढूंढने हैं, बाकी अलग से भी कुछ वर्ड ढूंढने हैं. जैसे सम टाइम, एवरी वन, बास्केटबॉल, नो बडी, टीम वर्क, बैटन, स्टैंड बाय, हैंडसम, संडे. लेट्स राइट अ पोयम. I have a kite but need a friend to fly it with. I know a song but need someone to hear it. I have a ball but need someone to catch it. I have a board game but I need someone to play with. I have a walkie-talkie but I need someone to talk to. I have a job but I need someone to hear it. I have to complete my project. And I need someone to help me in it. Say aloud. We sometimes use short forms for some words. For example, we use I am for I am and I for I have. These shortened words are called contractions. कभी कभी हम दो शब्दों को मिला करके short form में बोलते हैं. जैसे कि I am अगर आपको बोलना होता है तो उसके बजाय हम बोल देते हैं I am. आई हैव अगर बोलना होता है तो हम बोल देते हैं आई हैव. इस तरह से दो वर्ड को शॉर्ट करने को ही हम कंट्रैक्शंस बोलते हैं. द मार्क इज एन एपोस्ट्रॉफी, और ऊपर जो ये कोमा लगाया जाता है उसको हम एपोस्ट्रॉफी कोमा बोलते हैं. नाउ रीड टुगेदर. वी विल, वील, यू हैव, यू हैव, वी आर, कैन नॉट, कांट, देयर इज, देयर्स, they are, we have, what have. Now write the contractions for the following phrases: has not, hasn't, do not, don't, have not, haven't, are not, aren't. Question 2. Write the full form of the following: weren't, were not, wasn't, was not, she will, whose, who is. That's all children. Poem is completed now. Bye-bye.